नमस्कार, साइंस टाइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज हमारे साथ साइंस टाइम पे मौजूद हैं दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ मदन जयराज जी, जो कि ब्रिटेन के ग्लासगो शहर से इंडिया साइंस के साथ जुड़े हुए हैं। मदन जी, साइंस टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लासगो में COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26वां सालाना जलवायु सम्मेलन चल रहा है और जो अब समापन की ओर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए आपको लिए चलते हैं मदन जरा जी के पास, जो इस जलवायु सम्मेलन को कवर करने ग्लासगो गए हुए हैं। मदन जी, इसी से करना चाहूंगा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ग्लासगो में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उनके बारे में हमारे इंडिया साइंस के दर्शकों को संक्षेप में बताएं। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस को शुरू हुए एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है और अगर हम देखें तो अभी तक की प्रगति बहुत ही अच्छी रही है। और पहले ही दिन, जैसे कि सम्मेलन के पहले या दूसरे दिन, वर्ल्ड लीडर समिट हुई थी इसमें और करीब 130 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे। तो उस पहले दिन वर्ल्ड लीडर समिट में तो बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हुई थी, और सबसे बड़ी घोषणा उसमें भारत की तरफ से की गई थी कि एक तो 2017 तक हम नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेंगे, दूसरा हमने जो अपने 2030 तक के जो पुराने लक्ष्य थे उनमें बहुत सारे बदलाव कर दिए थे। जैसे हमने पहले ये कहा था कि जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कि हम 2030 तक अपनी जो ऊर्जा की सघनता को है 33 से 35% तक कम करेंगे, लेकिन अब उस लक्ष्य को बढ़ा के 50% कर दिया है 2030 तक के लिए। इसी प्रकार हमने स्वेच्छा से घोषणा की थी कि हम 450 गीगावाट सोलर एनर्जी या रिन्यूअल एनर्जी पैदा करेंगे 2030 तक, अब उसी लक्ष्य को बढ़ा के 500 गीगावाट कर दिया गया। इसी प्रकार हमने एक ये पहले घोषणा की थी कि 2030 तक जो कुल ऊर्जा का उत्पादन होगा उसमें सोलर ऊर्जा की या रिन्यूएबल ऊर्जा की हिस्सेदारी 40% करने का लक्ष्य, जिसे अब बढ़ा के 45% कर दिया गया। इसी प्रकार अतिरिक्त 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का ऐलान भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किया था। तो मुझे लगता है जब ये बड़े लक्ष्यों का ऐलान हुआ उसके बाद पूरी दुनिया के देशों ने उसको फॉलो किया। बहुत सारे देश, हालांकि पहले भी करीब 40 देश पहले इस तरह के नेट जीरो के लक्ष्यों की घोषणा कर चुके थे, लेकिन भारत की घोषणा के बाद और बहुत सारे देश इस तरह की इससे मिलती जुलती या इस तरह की घोषणाएं कर चुके हैं। और आज इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी सफलता यह है कि 131 देश नेट जीरो या उससे मिलते जुलते लक्ष्यों की घोषणा कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यह हुई कि आज पूरी दुनिया इस बात को लेके सहमत है कि अगर हमें जलवायु खतरों से निपटना है और सदी के आखिर तक तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री पर सीमित करना है तो हमें 2050 या 2060-70 तक हमें अपना कार्बन उत्सर्जन को जीरो करना होगा। तो आधी से अधिक दुनिया, मुझे लगता है कि जो 131 देश हैं ये करीब 90-95% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं और करीब 75% उत्सर्जन तो G20 देशों के लिए के में होता है, उसमें सारे देश करीब करीब एक आध देश को छोड़कर सब लोग इसमें घोषणा कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज जो सबसे बड़ा गोल था नेट जीरो का, उस पर सारी दुनिया सहमत होती हुई नजर आ रही है। और मैं तो दुनिया के 3/4 देश उस पर सहमत हो चुके हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर दूसरी बात करें जिन पर अभी बात चल रही है, एक जैसे हमेशा एक ये बात आती है कि एक तो जो जलवायु खतरे हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, दूसरा यह है कि नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई कैसे हो। तो ये जो ऐसे मुद्दे हैं जिनमें पिछली कई वार्ताओं में हमेशा चर्चा होती रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। और खासकर ये बात हमेशा भारत भी कहता रहा है कि जब जलवायु से नुकसान होता है और ह्यूज नुकसान होता है तो वो उसकी जो भरपाई का जिम्मा सिर्फ सरकार पर होता है, सरकार अपने लेवल पर जितना हो पाता है करती भी है, लेकिन उसका एक ऐसा मैकेनिज्म जो बनना चाहिए वो एक वैश्विक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके लिए एक वैश्विक कोष होना चाहिए जिसमें से खासकर जो विकासशील देश हैं जिनके पास एक तरफ वो अपने जलवायु खतरों से निपटने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी अगर उन्हीं को करनी पड़ेगी तो वो कैसे अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए ये डिमांड रही है कि एक ऐसा कोष बनाया जाए जो लॉस एंड डैमेज, जो जलवायु के जलवायु खतरों के कारण लॉस एंड डैमेज की जो भरपाई है वो हो सके। तो इस बार इसमें अभी तक हो सकता है, अभी इसमें बात होनी है, लेकिन अभी तक प्रगति की स्कॉटलैंड ने
एक इस तरह के लिए बजट का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो स्कॉटलैंड के अनाउंसमेंट पे माना जा रहा है कि अब शायद दूसरे देश भी उस पर एग्री कर जाए और जो बाकी शेष दिन बचे हैं उसमें लॉस एंड डैमेज को लेकर, उसकी भरपाई को लेकर एक वैश्विक फंड बनाने पर सहमति बन जाए। तो ये मुझे लगता है कि एक दूसरा ब्रेक थ्रू है इसमें। तीसरी बात है कि एक एडॉप्टेशन फंड होता है। एडॉप्टेशन फंड का मतलब होता है कि जहां पर जलवायु खतरे हो रहे हैं, जो एरिया जलवायु खतरों से प्रभावित है, तो उस एरिया में कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे उन खतरों को दूर किया जा सके, और उसके लिए एक स्पेशल एक एडॉप्टेशन फंड बना है पहले से, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा उसमें नहीं आ पा रहा था। तो इस बार में ब्रिटेन समेत कई देशों ने उसमें, ब्रिटेन, यूके, कई डेवलप देशों ने उसमें पैसा देने का अनाउंसमेंट किया है, तो उसको और बढ़ाने की बात है। भारत भी इस बात को लगातार जोर दे रहा है कि इसमें ज्यादा फंड होना चाहिए, एडॉप्टेशन के लिए फंड होना चाहिए। तीसरी बात जो एक सबसे इम्पोर्टेंट है, एक है ग्रीन क्लाइमेट कोर्स बना हुआ है, जीसीएफ बोलते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड बना हुआ है। ये 2009 में इससे पहले की बात हुई थी, और इसमें कुछ फंड आता है, कुछ देश देते हैं, इसे फंड देते हैं, लेकिन इसमें ये टारगेट ये था कि इसमें 2020 तक हर साल 100 अरब डॉलर इसमें जमा होने चाहिए, ताकि उस पैसे को गरीब और विकासशील देशों को ये जलवायु खतरों से निपटने की रणनीति बनाने पर खर्च करने के लिए दिया जा सके। लेकिन भाग्य की बात है कि इसमें अभी तक वो 100 अरब डॉलर की राशि नहीं आ पा रही है, और जो राशि आई भी है तो उसका जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग तरीके से किया गया है। कोई देश किसी दूसरे देश को कर्ज देता है, वो कहता है कि हमने इस पे इस कोर्स में दे दिया, वो तो कोर्स में देना नहीं हुआ, तो वो कोर्स में जो राशि जाएगी वो अलग है, वो जो जलवायु इन्वेस्टमेंट है वो अलग है। तो इसलिए भारत इस बात पर जोर दे रहा है, और तमाम जो विकासशील देश है वो भारत के पीछे इस मामले में खड़े हैं, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि इस फंड को बढ़ाया जाना चाहिए। एक तो ये 100 अरब डॉलर जो 2009 में तय हुआ था, 2009 की तय हुआ था, आज हम 2021 में खड़े हैं और जलवायु के खतरे बहुत ज्यादा विकराल रूप ले चुके हैं, इसलिए एक तो इस कोर्स को बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसलिए अगले 5 सालों में विकसित देश एक नए अपने टारगेट को लेके आए कि 100 अरब डॉलर के बजाय इस कोर्स का सालाना कितना होना चाहिए। ये प्लान भारत ने कहा है कि वो 2025 तक सुझाएं, लेकिन अभी ये सुनिश्चित करें कि इसी साल से सुनिश्चित करें कि इसमें 100 अरब डॉलर की जो राशि देने का वादा किया था वो इसमें जमा हो जाए। अब इसमें ये बात कई बार लोग कहते हैं कि भाई विकसित देश क्यों दे और क्यों पैसा दें गरीब देश, लेकिन देखिए इसमें कोई भारत कोई वो कोई चैरिटी के लिए पैसा नहीं मांग रहा है, ये विकसित देशों की जिम्मेदारी है, ये उनका ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। भारत का हमेशा भी स्टैंड रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन की आज ये स्थिति पैदा हुई है उसमें ज्यादा भूमिका विकासशील देशों के लाइफस्टाइल की, उनके औद्योगिकरण की, और उनके उनकी जिम्मेदारी की वजह से हुआ, उनके मतलब पिछले जो कार्य है उनकी वजह से हुआ है। तो उनकी जिम्मेदारी सबकी है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, हमारी थोड़ी कम होती है, तो इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस खतरे से लड़ने के लिए विकसित और विकासशील देशों को पैसा दें। एक जो मुद्दा आज जिसपे चर्चा होने की संभावनाएं है, जिसपे कुछ फैसला हो सकता है, वो है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेकर मीटिंग होने जा रही है। उसमें यह है कि 2035 तक सभी जो नए वाहन आए, 2035 के बाद जो बाजार में नए वाहन आए वो जीरो एमिशन वाले हों, या वो इलेक्ट्रिक वाहन हो या फिर वो किसी और दूसरे क्लीन फ्यूल से चलने वाले वाहन हो, और ये पेट्रोल डीजल के वाहन 2035 के बाद पूरी तरह से बंद कर दिए जाएं। तो इस पे एक डिस्कशन हो रहा है, इसमें भारत ने भी बहुत अच्छा काम किया, हमने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर पॉलिसी जारी किया, किस्म किस्म की को एक दी जा रही है, कई स्टेट ने अपनी पॉलिसी जारी की है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी आज बहुत अच्छा फैसला होने की उम्मीद है। मदन जी, एक सवाल जो आता है वैश्विक स्तर पर जिसकी चर्चा हो रही है कि अगर हमको जलवायु खतरों से निपटना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटना है, तो सभी देशों को जंगल को बचाना होगा, जंगलों को बचाने का जो हमारा प्रयास है, भारत का प्रयास, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और वैश्विक स्तर पर क्या कुछ सजेस्ट किया जा रहा है कि जंगलों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। देखिये, इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो जो जंगल होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो कार्बन को सोखने का एक नेचुरल तरीका होता है। अगर आप कहीं कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं और आपके पास आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, तो वो अपने आप ही सोख लेते हैं, तो जो समस्या है वैसे ही खत्म हो जाती है। लेकिन हुआ क्या है, पिछले 50-60 सालों में देखा जाए तो जंगल बहुत बड़े पैमाने पर काटे गए हैं, और विकास कार्यों की वजह से कटे हैं, कुछ हमारी जरूरतें हैं उसकी वजह से कटे हैं, तो जंगल घटते थे, उत्सर्जन बढ़ता गया, जो बैलेंस था वो बैलेंस बिगड़ चुका है, एमिशन ज्यादा है, जंगल कम है। तो इसलिए एक पर्यावरणविद समूह की लगातार ये मांग रही है कि आप बाकी जीरो व्हीकल एमिशन व्हीकल लाइए, बाकी आप कोल को बंद कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जंगल को भी बढ़ाते जाइए, जो एक कार्बन को सोखने का नेचुरल तरीका है। तो इसके लिए दुनिया के देश अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने 2000 अभी 2 साल पहले ही
एक 25,000 करोड़ रुपए का एक कैंपा फंड होता था। कैंपा फंड का मतलब यह है कि जब भी हमारे देश में कोई विकास योजना की वजह से जंगल काटे जाते हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को एक राशि उस वहां पर जमा करानी होती है। जब वो राशि जमा हो जाती है वो सरकार के पास रहती है, उस राशि को फिर वापस जंगलों के विकास पर लगाया जाता है। तो उस फंड में 55,000 करोड़ रुपए बकायदा संसद से कानून बना के रिसेंटली वो राज्यों को जारी किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी राशि है, इससे जो स्टेट गवर्नमेंट है जिनके पास एक अच्छा मौका है कि अपने जंगलों को बढ़ा सकें और जहां जहां पेड़ उनके कटे हैं या जहां जहां उनका डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसको फिर से हरा भरा बना सकेंगे। इसके अलावा भी जैसे वनीकरण की बात कहें तो हमारे देश में तो वनीकरण, हमारे जो बहुत सारे समूह ऐसे हैं, बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जनजातीय समूह है, वो तो वनों से वैसे ही इतना प्यार करते हैं कि वो अपने आप ही बढ़ाते हैं, सरकार बिना भी बढ़ाते हैं। तो वनीकरण हमारे लिए, वनीकरण हमारे देश में जो डाटा आ रहे वो भी बढ़ा रहे कि तमाम विकास योजनाओं के बावजूद हमारे देश में वनीकरण 2-3% साल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे लोगों की जो वनों के प्रति जो एक धारणा है, एक सोच है, वो अच्छी है और लोग अपने स्तर पर पेड़ लगाते हैं, वो सरकार की किसी योजना के लिए नहीं। किसी प्रांत में एक रिवाज है कि कब शादी होती है तो लड़की दूल्हा दुल्हन से पहले एक पेड़ लगाते हैं, किसी प्रांत में कुछ अलग रिवाज है। तो इस प्रकार से वनीकरण के लिए हमारा एक अच्छा विकल्प है कि हम कार्बन को सोखने के लिए एक और अतिरिक्त उपाय हो जाएगा, प्राकृतिक उपाय हो जाएगा। लेकिन इस पर हमारे देश में अच्छा काम हो रहा है, मुझे लगता है कि बाकी कंट्री भी इसमें सहमत हैं और वो भी इस पर अच्छा काम कर रहे हैं। मदन जी, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप वहां पर ग्लासगो में अभी कवर करने गए हैं COP26, तो आपको क्या ऐसी अनूठी चीज वहां पर मिली है जिसमें हम भारतीयों को गर्व करना चाहिए। आप दर्शकों से अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें साइंस टाइम के साथ। लेते एक छोटा सा ब्रेक। कोरोना पर होगा जानकारी का वार। आज अगर हमें कोरोना से बचना है तो क्या करना चाहिए? सबको अच्छी तरीके से विश्वास होना चाहिए कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना को हराना ये एक हकारात्मक संदेश है। मिलेंगे उन सवालों के जवाब जिनका है आपको इंतजार। अश्विनी जी, आपने बहुत ही अहम सवाल नोट करके रखे हैं। आई एम श्योर ये दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होंगे। जो कंट्रोल वाली डायबिटीज है उसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत कम है। कि अगर नेगेटिव सोच करूंगा तो मेरा इम्यून स्टेटस कॉम्प्रोमाइज होगा। देखिए, कोरोना को हराना है हर शनिवार सुबह 10 बजे से सिर्फ इंडिया साइंस चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साइंस टाइम में। और आज साइंस टाइम में हम चर्चा कर रहे हैं COP26 जो कि ग्लासगो शहर में आयोजित हो रहा है और उसको कवर करने गए हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा जी हमारे साथ, इंडिया साइंस के साथ जुड़े हुए। मदन जैरा जी, जैसे अखबारों की सुर्खियों में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शुरुआती दौर में जो COP26 जब शुरू हुआ था उन्होंने एक बात कही थी, लाइफ का मंत्र दिया था जो कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली बनाने की ओर बात उन्होंने कही, जिसको लेकर के हम सब भारतीयों को एक गर्व भी महसूस होता है क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ही वैसी है जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। आप जब ग्लासगो शहर गए हैं वहां कौन सी ऐसी अनूठी बात लगी जो हम सब भारतीयों को एक अच्छा सा फील देने वाला हो, आपने कुछ महसूस किया? बड़ी बात तो यह कि जलवायु वार्ता में जो भारत की घोषणाएं हैं उन घोषणाओं को लेके पूरी दुनिया के जो पर्यावरण कार्यकर्ता वहां पर आए हुए हैं वो बहुत उत्साहित हैं। तो वो एक इस तरह से बात कही जाती है कि भारत तो जैसे एक डेवलपिंग कंट्री है उसमें बहुत ज्यादा अपनी आबादी का बोझ है और इसके अलावा भारत के पास जो टोटल जो कार्बन उत्सर्जन में योगदान है वो 5% से ज्यादा नहीं है। 17% आबादी भारत, पूरी दुनिया की आबादी भारत में रहती है। इसके बावजूद भारत ने जो महत्वाकांक्षी घोषणाएं की हैं जलवायु खतरे से निपटने के लिए और सोलर ग्रिड जैसे एक अनोखा विकल्प सुझाया दुनिया को कि एक ऐसी ग्रिड बनाई जाए जिससे पूरी दुनिया में सोलर की ऊर्जा को पहुंचाया जा सके। तो इसलिए क्लाइमेट के क्षेत्र में भारत के जो काम हो रहे उसकी आज हर व्यक्ति सराहना करता है। जब हम बताते हैं कि हम इंडिया से आए तो तुरंत उसको बात रिकॉर्ड करते हैं कि इंडिया ने किस प्रकार से बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की हैं और एक विकासशील देश होते हुए भी। दूसरा यह है कि यहाँ पर भी जो थीम रखी गई है, भारत का ऑफिस भी यहाँ पर बना हुआ है जलवायु वार्ता में, तो आजादी का अमृत महोत्सव जिस पर हम पूरी देश में एक कार्यक्रम चला रहे हैं तो उस थीम को यहाँ भी उसमें शामिल किया गया। तो ये भी एक जो वहाँ पर जो भी लोग आते हैं दुनिया के उनको आकर्षित करता है, वो उस बारे में जानना चाहते हैं, तो ये दूसरा एक सकारात्मक पॉइंट है। तीसरा अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री का मंत्र है लाइफ
जो मंत्र है तो वो तो सबसे बेसिक चीज है। अगर आप जलवायु खतरों से निपटने की अगर हम प्रक्रिया को शुरू से देखें तो अगर हर व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार से ढाल ले कि उसे ऊर्जा की जरूरत कम से कम वो ऊर्जा पे डिपेंड रहे और कम से कम उसको ज्यादा उत्सर्जन सीमित करे उसके अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर तो कोई जरिया ही नहीं है। आज जो व्यक्ति उत्सर्जन भारत का सबसे कम है, दुनिया में बहुत कम है, और दूसरे वहीं देखेंगे यूरोप में जहां हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है यहीं पर देखें यहां बहुत ज्यादा है। हम जहां एक साल में यहां पर रुके हैं तो वहां पर देखो इतने वहां इतने इतने उपकरण है बिजली के चलने वाले, इतने उपकरण यहाँ पे बिजली के चलने, किचन में करीब 20 प्रकार के उपकरण है जो बिजली से चलते हैं, हमारे यहाँ पे एक या दो उपकरण होते हैं, तो इस प्रकार आप हर गेट पे खोलते हैं वो बिजली से चलता है, अगर आप चाबी लगाते हैं उसमें बिजली का कई रोल है, तो हीटिंग सिस्टम कूलिंग सिस्टम तमाम बिजली से डिपेंड करते हैं, हर जगह पानी गर्म होता है, तो इस तरह देखा जाए तो इंडिया में तो बहुत ज्यादा लोग बिजली को बचाते हैं और एक सोच के इस तरह से खर्च करते हैं कि हमें बिजली कम खर्च करेंगे तो हमारा कम बिल आएगा। तो ये जो सोच है, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को कि आप जो जरूरी चीजें वो खर्च नहीं करें करें लेकिन फालतू नहीं करें, तो इस तरह से हम एक किफायती तरीके से इस्तेमाल करें संसाधनों का, जो भी संसाधन है उसका इस्तेमाल करें, हमारा अपना फायदा भी हो और जो कुल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उसमें उसको भी फायदा हो। मदन जी, एक चर्चा जो चल रही है आजकल तमाम मीडिया ने उसको कवर किया है कि कुछ देश हैं जो ग्लासगो शहर में COP26 के दौरान ये बात कह रहे हैं कि बिना कोयले का यानी कोयले का उपयोग करते भी रहे और तब भी वो 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, यानी बिना कोयले को बाहर किए हुए। ये इस पॉइंट को मैं समझ नहीं पाया कि ये कैसे संभव है, इसके बारे में क्या कुछ तर्क है? इसमें दो तीन तरह की बातें हैं। एक तो यह है कि कोयले को किसी लिक्विड में चेंज करके उसके कई दूसरे इस्तेमाल सुनिश्चित करते हैं, जैसे एक कंसर्न इसमें ये रेज की गई है कि जैसे हम कोयले को बंद करेंगे, मान लीजिए कोयले का इस्तेमाल बंद ही हो जाएगा, भारत के पास अपार कोयला है, तो उसका क्या करेंगे, हम उस कोयले को वेस्ट जाने देंगे? उसका ये तरीका है कि उस कोयले को ग्रीन कोल में कन्वर्ट किया जाए और उसे लिक्विड स्वरूप में कन्वर्ट करके किसी दूसरे काम आ जाए, जैसे भारत में मेथनॉल बनने की बात आई थी, उससे तो आपके एमिशन बहुत, उसके होगा भी तो बहुत मामूली रह जाएगा, तो आप उसमें 90-95% तक रिडक्शन हो जाएगा जिससे बिजली बनती है, कोयले से बिजली बनाने में, कोयले से मेथनॉल बनाने में, तो वो रिडक्शन आपका 90% से भी ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत मामूली रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो रिपोर्ट इस तरह की बातें आई वो इसी बात पर आई है कि कोयले को ग्रीन कोल में कन्वर्ट किया जाए, उसके बाद उसका इस्तेमाल जारी रखा जाए, तो इस पर बहुत दुनिया में कई रिसर्च भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनती है जिससे हम एक कोल को ग्रीन कोल में बदल लें और उसके बाद उसका एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सके, तो मुझे लगता है कि सभी के लिए फायदेमंद होगा और सबसे ज्यादा फायदा तो इसे भारत को होगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारा कोयले के रिजर्व पड़े हुए हैं। जी मदन जी, एक जो बात आपने कही कि आज इस बात पर विचार किया जाएगा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो भी प्रदूषण फैलता है या जो जलवायु परिवर्तन के खतरों को लेकर के उसको बढ़ावा देने में जो रोल अदा किया जा रहा है उसको लेकर के एक विस्तृत चर्चा होनी है, और जैसा आपने ये भी हमारे दर्शकों को बताया कि भारत ने ऑलरेडी इसमें एक पहल की है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर हम अपना एक पॉलिसी के तहत भारत सरकार चल रही है कि किस तरह से हम अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर शिफ्ट कर सकें। यहाँ पर मदन जी एक सबसे जो बड़ी समस्या, व्यावहारिक समस्या सामने आती है कि मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक वाहन तो खरीद लिया लेकिन उसके चार्जिंग स्टेशन नहीं मौजूद होते हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद होता है, तो इस बारे में क्या कुछ चर्चा हो रही है वहां पर ग्लासगो शहर में? नहीं देखिए, उसमें आप जो चार्जिंग स्टेशन की बात करें वो तो अगर हम जब पॉलिसी सरकार जो लाई है या भारत में भी काम हो रहा है, दूसरे कंट्री में काम हो रहा है, तो चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम लगातार चल रहा है। तो आज दिल्ली में अगर देखते हैं तो बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन है, अभी हाल में BHEL ने दिल्ली से चंडीगढ़ के पूरे रूट पे सोलर चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम शुरू कर दिया है। एक तो चार्जिंग स्टेशन बिजली से होता है, एक है उन्होंने सोलर का लगाने शुरू कर दिए, तो हर 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दिल्ली से चंडीगढ़ के हाईवे को ग्रीन हाईवे बनाने का काम चल रहा है। तो यहाँ भी दो इशू है, एक तो चार्जिंग स्टेशन आप बिजली से बनाएंगे लेकिन उससे भी हम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं कि वो सोलर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाए और उसमें बैटरी का बैकअप होता है ताकि अगर रात को चार्ज करना है किसी को तो वो बैकअप के जरिए चार्ज हो जाएगा। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर कंट्री को बढ़ाना होगा लेकिन उसमें अभी समय है। जो आज वार्ता हो रही है उसमें यही टारगेट है कि 2035 के बाद जो भी नए व्हीकल खरीदे जाएं या जो नए व्हीकल कंपनियां बनाए हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या मतलब ग्रीन एनर्जी से चलने वाले व्हीकल हो या कोई जैसे CNG या दूसरे तरह के व्हीकल होते हैं, हाइड्रोजन के व्हीकल हो सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के जो जीवाश्म ईंधन से चलने वाले व्हीकल हैं उनको टोटली फेज आउट कर दिया जाए
2035 के बाद, और जो पहले से हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन जो 2035 के बाद बनके आएंगे वो बनके नहीं आएंगे। तो इस पे ये बात हो रही है। और हमारे देश में भी अगर हम कहें तो कई सरकारी डिपार्टमेंटों में जो नए वाहन खरीदे जाते हैं वो इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा कई स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की घोषणाएं की कि अपने बस के फ्लीट को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कर रही हैं। महाराष्ट्र कर रहा है, दिल्ली कर रहा है, और भी स्टेट, हर स्टेट अपने अपने लेवल पर कर रही है। कोई 50 बस ला रहा है, कोई 100 ला रहा है, कोई बढ़ा रहा है। अभी चार्जिंग स्टेशन चूंकि कम है तो धीरे धीरे इसे बढ़ाएंगे। तो हमारे देश में तो ऑलरेडी काम होना शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर 2035 पे इसमें बात हो रही है तो भारत भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, और 2035 तक इस लक्ष्य को हासिल करना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल को उस तरफ शिफ्ट लाने का काम तो हो ही रहा है, जो प्राइवेट व्हीकल है वो भी बड़े पैमाने प्राइवेट कारें, इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का रेट महंगा हो रहा है, तो लोग आज खुद ही ये विकल्प ढूंढ रहे हैं कि भाई हम अगर गाड़ी खरीद रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक कार ही खरीद रहे, भले ही वो 1,00,000 रुपये महंगी क्यों ना हो। तो इस तरह की सोच विकसित हो रही है, और अगले 15 साल में मुझे लगता है कि प्राइवेट और कॉमर्शियल दोनों तरह के जो वाहन है वो इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मदन जी, वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो जानने का प्रयास करेंगे मदन जी से, जो कि ग्लासगो शहर में अभी मौजूद हैं। कवर कर रहे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं साइंस टाइम, और साइंस टाइम में आज हमारे साथ हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मदन जयराज जी जुड़े हुए हैं, जो कि अभी COP26 को कवर करने ग्लासगो गए हुए हैं। मदन जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो भारत ने ग्लासगो सम्मेलन में सतत कृषि नीति के कार्रवाई एजेंडा पर हस्ताक्षर नहीं किए, ऐसा क्यों हुआ है, और इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, उसमें कुछ इस तरह की मीडिया में खबरें आई थी, लेकिन सरकार ने उसमें स्पष्ट किया कि इस समझौते में फिलहाल हम अभी शामिल नहीं है। यहाँ पर कृषि से जुड़े दो समझौते हुए हैं, जैसे देखा जाएगा। एक तो यह हुआ कि सतत कृषि, मतलब कृषि क्षेत्र में होने वाले उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए, ये उसका एजेंडा था। दूसरा एक समझौता था कि मिथेन उत्सर्जन को कैसे एक तिहाई किया जाए 2030 तक। तो ये दो समझौते हुए थे, जो एक तो सीधे कृषि से जुड़ा है, दूसरा भी कृषि से जुड़ा है, क्योंकि मिथेन का उत्सर्जन भी कृषि और पशुपालन सेक्टर में ज्यादा होता है। तो यहाँ हमें समझना होगा कि जो उत्सर्जन के जो मुख्य जरिया है, जो हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की बात करते हैं, तो 4-5 क्षेत्र मेन है उसके। एक तो सबसे ज्यादा ऊर्जा क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है, तीसरा हीटिंग और कूलिंग सेक्टर है, और चौथा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक पांचवा बिल्डिंग सेक्टर है। तो इन सभी सेक्टर में अगर हम देखा जाए तो ऊर्जा सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो रहा है भारत में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमने बहुत अच्छा काम किया है, बिल्डिंग सेक्टर में भी काम शुरू हो चुका है, लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है। और बाकी जो कूलिंग सिस्टम, हीटिंग का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खपत नहीं है, हीटिंग में बिजली खपत नहीं होती है, लेकिन कूलिंग का होता है। कूलिंग पे भी हमने कूलिंग एक्शन प्लान भारत ने बना दिया है, वो इंप्लीमेंट होने की प्रक्रिया में है। अब रही बात कृषि क्षेत्र की, तो कृषि क्षेत्र पर अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कृषि क्षेत्र की जो हमारी स्थिति है, वो किसान है, वो बहुत ही मतलब एक संवेदनशील स्थिति में है। तो अभी हम कृषि क्षेत्र पर भारत अभी फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन हमने जो लक्ष्य घोषित किए हैं हम उनको बगैर कृषि क्षेत्र पर फोकस किए हुए भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र पर जोर डालने की अभी भारत को जरूरत भी नहीं है। इसलिए भारत ने तो मिथेन वाले पर अपनी सहमति व्यक्त की है, न इस पे जो सतत कृषि वाला जो समझौता था उसमें शामिल हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत कृषि क्षेत्र में होने वाले उत्सर्जन को लेके अपने देश के भीतर कोई काम नहीं है। इसका ऐसा कहीं अगर कोई ये सोचता है तो वो गलत सोचता है। देखिये, समय पहले हमने एक पीएम कुसुम योजना शुरू की थी, आप भी इसके बारे में। इस योजना के तहत 17,00,000 सोलर पंप लगाए जाने हैं देश भर में। सोलर पंप किसान जब पानी निकालते हैं जमीन के अंदर से सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें पंप की जरूरत होती है, उसमें बड़े पैमाने पर डीजल या बिजली खर्च होती है। लेकिन अब उसकी जगह सोलर पंप लगाए जा रहे हैं, और काफी लगाए भी जा चुके हैं। तो सोलर पंप लगाएंगे तो आपका जो डीजल और बिजली की खपत कम होगी, तो
इसका फायदा तो पर्यावरण को ही मिलेगा, आपका उत्सर्जन कम होगा। लेकिन अभी हम ये काम अपने जो इसका जो यूएन कॉन्फ्रेंस है उसके तहत नहीं कर रहे, लेकिन स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसी प्रकार पीएम कुसुम योजना में 10,000 मेगावाट डिसेंट्रलाइज ग्रिड के जरिए बिजली पैदा करने का है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने छत पे जो सोलर पैनल लगा के बिजली पैदा करते हैं, जो ग्रिड को नहीं जाती है आमतौर पर, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, आपने अपने घर की जरूरत के हिसाब से लगाया, तो इसका फायदा भी किसानों को मिलेगा। गांव में होते हैं, वहां धूप आती है, लोग अपना सोलर पंप लगा देंगे, सरकार उसके लिए फायदा भी देती है, तो उससे जो बिजली पैदा होगी उससे किसान अपना जो जरूरी काम है वो करेंगे, प्लस उनके पास अगर बिजली बच जाती है तो वो ग्रिड को बेच सकते हैं। तो ये भी एक इससे इसके जरिए 10,000 मेगावाट सोलर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो ज्यादातर फायदा मिल रहा है वो एक कृषि क्षेत्र को मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र को मिल रहा है, तो ये भी एक काम हो रहा है। तो इसका कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बड़े पैमाने पे हम लोग जो भारत की तरफ से कृषि क्षेत्र में भी इस तरह के इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं जो स्वतः ही कार्बन उत्सर्जन को आने वाले समय में कम करेंगे। लेकिन इस समझौते में शामिल नहीं होने का अभी तात्कालिक फैसला मुझे लगता है कि इसीलिए लिया गया होगा कि हम अपने स्तर पर जो काम करें वो करते रहें, लेकिन जब हम इस स्थिति में हो जाएंगे कि हम बेहतर कर सकते हैं कृषि क्षेत्र में, तब उसको हम समझौते में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात मदन जी, अभी आपने जो चर्चा की तो मुझे याद आया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो में एक बहुत बड़ा संदेश दिया पूरे विश्व को, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या कंसेप्ट है और प्रकृति से खासतौर पर तालमेल बिठाने में ये फॉर्मूला कैसे कारगर है। देखिए, इसमें अगर हम सरल शब्दों में कहें कि जब सोलर ऊर्जा में एक कमी यह है कि सोलर ऊर्जा जब जिस समय तक सूरज रहता है उस समय तक वो चलती रहती है, उसके बाद मान लीजिए हमने सारा सोलर ऊर्जा बेस्ड अपने सिस्टम को बना लिया, लेकिन पता चला कि जब धूप नहीं आई तो वो सिस्टम काम करना बंद कर देगा। दूसरा विकल्प है कि उसको स्टोरेज कैसे किया जाए, तो स्टोरेज बैटरी के जरिए हो सकता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा खर्चा आता है, तो उस पर भी काम चल रहा है, उस खर्च को कम करने की बात चल रही है। तीसरा एक स्टोरेज का तरीका, एक वाटर पंप बेस्ड भी एक तकनीक है, उस पर भी काम चल रहा है। तो इस सबके बावजूद एक ये भी सोच है कि अगर आज दुनिया का हर देश सोलर ऊर्जा पैदा कर रहा है, और जब वो सोलर ऊर्जा पैदा कर रहा है तो उसकी क्यों नहीं पूरी दुनिया के, जैसे हमारे देश में जो बिजली का वितरण होता है ग्रिड के जरिए होता है, जो भी बिजली का संयंत्र होता है वो बिजली पैदा करता है, वो ग्रिड को देता है और उसके बाद ग्रिड उसे देश भर में वितरित करती है। तो यही कॉन्सेप्ट अपनाते हुए कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो एक वैश्विक ग्रिड बना दिया जाए और जो भी सोलर ऊर्जा तैयार हो उस ग्रिड को जाए और उस ग्रिड से फिर उसको पूरे दूसरे देशों में वितरित कर दिया जाए। तो इसका फायदा क्या होगा कि जैसे अभी भारत में, अभी यहाँ ब्रिटेन में रात चल रही है और भारत में अभी दिन है, तो भारत की ऊर्जा ब्रिटेन को मिल जाएगी, और जब ब्रिटेन में दिन होगा तो ब्रिटेन की ऊर्जा भारत को मिल जाएगी, जब भारत में रात होगा। तो ये इसके पीछे एक सोच है और पूरा जो कार्यक्रम है बहुत बड़ा है, इसको औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। और ये सोलर ग्रिड की सोच, और ये सोलर ग्रिड पहले तो जो सोलर अलायंस बना, उसके बाद अभी सोलर ग्रिड बनाने की बात चल रही है, तो ये पूरी तरह से सोच भारत की है और इसे भारत ने ही दुनिया के सामने रखा, और दुनिया ने पहले सोलर अलायंस को स्वीकार किया, उसके बाद अब सोलर ग्रिड को भी स्वीकार किया है, और उसके फॉर्मल लॉन्चिंग भी इसी कॉप सम्मेलन में शुरुआत में जब प्रधानमंत्री जी आए थे उसके फॉर्मल लॉन्चिंग हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में अगर जब जैसे जैसे सोलर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरिया, अच्छा जरिया होगा जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है, 24 घंटे रोशन कर सकता है। सूरज 12 घंटे आता है लेकिन सूरज की रोशनी 24 घंटे दुनिया को मिलती रह सकती है। मदन जी, आप हमारे साथ जुड़े, साइंस टाइम के साथ आपने बहुमूल्य समय दिया और ग्लासगो शहर से आपने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। लेकिन चलते चलते एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपकी आज की नजर किस खबर पर रहेगी, क्या वहां से फाइल करना? आज पूरा फोकस इसी बात पर रहेगा कि जो इलेक्ट्रिक वाहनों या ग्रीन वाहनों को लेकर जो समझौता होने जा रहा है उसका आउटकम क्या निकलता है, क्योंकि देर रात तक, अभी तो यहाँ पे सुबह हुई है लेकिन देर रात तक उसके रंग से आएंगे तो कल ही हम उसको रिपोर्ट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाहन एक ऐसी चीज है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है ऊर्जा क्षेत्र के बाद, और दूसरा यह कि एक हर आदमी से जुड़ा हुआ भी इशू है कि हर आदमी कोई वाहन खरीदना चाहता है या कभी ना कभी उसका वास्ता पड़ता है। मुझे लगता है कि इस पर भारत की, हमारे तो नजर है ही, पूरे देश की और पूरी दुनिया की नजर है, तो इस पर देखते हैं कि आज क्या इसमें नतीजा निकलता है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मदन जरा जी आपका साइंस टाइम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखें ग्रीन वाहन पर, और हम सब की नजर है ग्रीन वाहन का क्या पूरा कंसेप्ट है, क्या पूरी अवधारणा है,
इसको आपके जरिए मैं इंडिया साइंस के दर्शकों तक जरूर पहुंचाऊंगा जल्दी। साइंस टाइम के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि लापरवाही अब भी न बरतें और कुछ आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और हाँ, टीका अवश्य लगवाएं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे साइंस टाइम के एक और ज्ञानवर्धक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।